क्या आप निराश करेंगे ऐसे भक्तों को? ये सब हमारी अपनी ही संतानें हैं, क्या आप इन्हें पीड़ा में तड़पते हुए देख पाएंगे? भयानक वेदना में इन्हें प्राण देते हुए देख पाएंगे आप? आप सही कह रहे हैं स्वामी, हम अपनी संतानों के साथ ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकते। क्षण भर के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं तो सदा सुहागन हूं। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में कुंडल और गले में मंगलसूत्र है प्रभु। हाथ में सुहाग का चूड़ा, पांव में अलता बिछिया और जो सुहागन इन सारे अलंकारों से सुसज्जित होती है उसका सुहाग हमेशा अमर होता है। मैं प्रेम को बंधन नहीं बनने दूंगी स्वामी, मैं शक्ति हूं, आपकी शक्ति और शक्ति ही रहूंगी। जाइए, सृष्टि की रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए स्वामी। प्रभु, भगवान महादेव को कितना कष्ट हो रहा होगा ना? ये हलाहल बुरे विचारों का प्रतीक है गर्ग, जो जितने एक साथ इकट्ठे होते उतने ही विषैले होते जाते। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में कभी बुरे और अशुद्ध विचार निवास ना कर, हमारा मन सदैव शुद्ध और अच्छा रहे। स्वामी के भीतर से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि विष उनके कण के नीचे गया तो भी विश्व का विनाश होगा। मुझे कुछ करना होगा। प्रभु, आपके उदर में समस्त सृष्टि का वास है। यदि ये हलाहल का विष आपके कर्ण से उतर कर उधर तक चला गया तो आपके इस महाप्रयास के बाद भी इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसीलिए आपको ये हलाहल का विष अपने कंठ में ही रोक कर रखना होगा। आपने संसार की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया।
इसलिए आज ये संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। 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 मेरा ये रूप आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विषैले विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकते हैं, परंतु ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके विष को, उन विचारों की अशुद्धता को अपने भीतर कितनी गहराई तक समाने देते हैं, उसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अर्थात मेरे इस रूप की जो भी पूजा करेगा वह सदैव अपने नकारात्मक, तामसिक, अशुद्ध और विषैले विचारों को नियंत्रण में करके प्रसन्न, संतोषप्रद, शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल होगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। हाँ तक्षक, न जाने ये मेरा भ्रम है या सत्य, पर मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि महादेव की कृपा से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है। माँ, आपने अभी अभी वासुकी भैया के साथ महादेव के दर्शन किए, आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। हो सकता है, किंतु मैं ये भी जानती हूँ तक्षक कि इस मंथन में हर समय प्रभु विष्णु सभी के साथ है, किंतु फिर भी मेरा मन न जाने की वासुकी को लेकर चिंतित है। बस वो सुरक्षित हो। प्रभु, कालकूट ने सभी के मन में भय उत्पन्न कर दिया है। अब मंथन का उत्साह इस आशंका में बदल गया है कि इस समुद्र के तल से न जाने अब क्या निकलेगा। कभी कभी आशंका की स्थिति भी अच्छी होती है गरु। व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका मन क्या चाहता है और मस्तिष्क ये जानता है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उस व्यक्ति के प्रयासों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। नारायण नारायण। देवगण, दानवगण, भयभीत होकर पीछे हटने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंथन आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा वो कितने शीघ्र सत्य सिद्ध हो गया वो देखिए। पहली बार देवों और दानवों का ध्यान कहीं और नहीं, मंथन पर केंद्रित है। हाँ प्रभु, अब ना तो देवता वासुकी के मुंह की ओर का सिरा थामने के कारण असुरों का उपहास कर रहे हैं, और ना ही असुर अपने इस विवशता से कृपित हैं।
दोनों ही पक्ष सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से क्षीर सागर को मथ रहे हैं। प्रभु, अब तो माता लक्ष्मी प्रकट होंगी ना? आशा तो मुझे भी यही है गर्व, पर निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता। ये मंथन देव और दानव कर रहे हैं, इसलिए समुद्र के तल से क्या बाहर आएगा और कौन उसे ग्रहण करेगा, ये सब उन्हीं के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। और इसलिए कुछ भी पहले से बता पाना असंभव है। यदि हमारे जीवन में अनिश्चितता ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। स्वयं विचार कर, यदि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी आशा के अनुरूप हो या सब कुछ आशा के विरुद्ध हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में जीवन कैसा होगा? एकर सता से परिपूर्ण उबाऊ। पर गरुड़ इससे सहमत नहीं, दुविधा को दबाना नहीं चाहिए गरुड़। जो भी मन में है निश्चिंत होकर कहो। प्रभु, जब अपनी इच्छा पूरी ही ना हो बल्कि जो भी हो उसके विपरीत ही हो, तो हतोत्साहित अनुभव करना स्वाभाविक है ना? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है गरुड़? मेरी माँ को देख लीजिए भैया, इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ भी तो अर्धविकसित अवस्था में। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पालन पोषण पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहा, पर मेरे जन्म लेते ही मां दासी बन गई। उनके आशा के दीप की अंतिम लौ था मैं, परंतु मैं भी दास। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य का उदय होना पहले से ही निश्चित है गर्व, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आना पहले से ही निर्धारित है। परम पूज्य ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसे की कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा सदैव एक सा नहीं रहता, ऋतुओं की तरह बदलता रहता है। समय आ गया है, अब इसे अपने भविष्य का आभास हो जाना चाहिए। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कि जाने बिना अपने कर्म करते रहने से चिंतन बढ़ता है और जान लेने से चिंता। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कहीं कुछ हानिकारक तो नहीं? कुछ आ रहा है, देखो देखो वो क्या है, देखो वो क्या है।
ये क्या हो रहा है? हमारे साथ छल किया गया है, हमें कहा था कि श्री वापस आएगी, लेकिन यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। तो बच्ची कुछ ही समृद्धि थी, वो भी जा रही है। नारायण ने हमारे साथ छल किया है, झूठ बोला है हमें। ये क्या कह रही हो दीदी? नारायण छल क्यों करेंगे भला? नारायण नारायण। देवी दीदी, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कृपया आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में सत्य सामने आ जाएगा। धैर्य केवल भ्रम है मुनिवर, सत्य तो ये है कि मेरे आभूषण फीके पड़ रहे हैं, मेरे गहने, मेरे कंगन, सब कुछ। ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माँ, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, किंतु गुण और स्वभाव से दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। यदि माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि की जननी है तो माँ लक्ष्मी दुख और दरिद्रता का प्रतीक है। देवी अलक्ष्मी, हे महादेव, ये तो अनर्थ हो गया, कहीं इनकी दृष्टि मुझ पर ना पड़ जाए। प्रभु, ये सभी महालक्ष्मी माँ से इतना भयभीत क्यों हैं? क्योंकि इन्हें भय कि यदि इनके जीवन में देवी अलक्ष्मी की छाया भी पड़ गई तो इनके जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। परंतु प्रभु, आपने अभी अभी समझाया कि सुख और दुख तो जीवन के भाग हैं। जब हम भगवान के दिए सुख को अपनाते हैं तो उनके दिए दुख को क्यों नहीं? माता अलक्ष्मी जैसी भी है परंतु है तो मां स्वरूप ही। यदि अलक्ष्मी की दृष्टि हम पर पड़ी तो हम पर विघ्न पहाड़ टूट पड़ेंगे।
माता लक्ष्मी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या करुण को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है? सभी खुद को अलक्ष्मी के प्रकोप से बचा रहे हैं और ये खुद विपत्ताओं को आमंत्रित कर रहा है। मूर्ख बुद्धू, तुमने अपने पुत्र को केवल संस्कार दिए, बुद्धि नहीं दी है। पर हुआ क्या है बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी अभी वो कौवा बता के गया कि समंदर बंधन से लक्ष्मी प्रकट हुई है और तेरे पुत्र ने उनको प्रणाम कर दिया। यदि उसके प्रणाम से वो प्रसन्न हो गई तो तेरे घर में आके निवास करेगी। तू और तेरा परिवार तो कष्टाएगा ही, साथ में मुझे भी न जाने संसार के कितने कष्ट सहने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मैं वन में सुखी था। जो मुझे प्रणाम कर रहा है, महर्षि कश्यप और माँ विंता का छोटा पुत्र गरुड़ हूँ मैं माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़, मूर्ख है ये गरुड़, तुझे ज्ञात ही नहीं अभी तूने किस आपदा को निमंत्रण दिया है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, विवेक भी होना चाहिए। किंतु तेरा पुत्र जब तक किसी संकट में न फंसे उसे शांति नहीं मिलती। व्यर्थी अलक्ष्मी को आमंत्रित कर दिया। तुझे भय नहीं लगता? यदि मैंने तेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया तो तेरे जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। स्वयं को जीवन देने वाली माँ को दासी बने देखने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सब कुछ जानते हुए भी उन्हें मुक्त ना कराने से बड़ी दरिद्रता क्या कुछ और हो सकती है? बाबा, उसके मन में कोई काली माँ नहीं है। अपने पराये का भेद तो उसने सीखा ही नहीं है, इसलिए तो वो माओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन तो अंतर करना पड़ेगा ना। अब यदि उसके कारण आलक्ष्मी तेरे यहां निवास करने आ गई तो वो महल देख रही है ना, उस महल की दुर्दशा तेरी इस कुटिया से भी अधिक हो जाएगी। जितने दुख तू अभी भुगत रही है ना, उससे कहीं अधिक दुख तेरी बहन और उसके पुत्रों को भोगना पड़ेगा।
और ये दुख वहीं नहीं रुकेगा, तेरा पता पूछते हुए यहां तक आ जाएगा। तुम सब तो कष्ट भोगोगे ही, तुम सबके साथ आज मैं खून की तरफ मैं भी जाऊंगा। कहीं गरुड़ पर देवी अलक्ष्मी का अशुभ प्रकोप न पड़ जाए, मुझे गरुड़ की सहायता करनी होगी। अलक्ष्मी का प्रणाम स्वीकार हो नारायण। आपके मंथन के कारण मैं समुद्र से बाहर तो आ गई, पर देवों और दानवों में से कोई भी मेरे निकट तक नहीं आना चाहता। मैं कहाँ जाऊँ नारायण? हे नारायण, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। बाबा आप ही बताइए, देवी अलक्ष्मी को महल में प्रवेश करने से कैसे रोकूं मैं? असंभव नहीं है किंतु बहुत कठिन है। बहुत कुछ करना पड़ेगा, कर पाएगी तू? बोल, कर पाएगी तू? जहां जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो, वो सभी स्थान आपके लिए ही हैं। जहां अशुद्धता हो, अशोच हो, अन्न का अनादर हो, जूठन हो, वहां आप सहर्ष निवास कर सकती हैं। तूने मुझे रोका, इतना तो साहस। जहां सत्य और संस्कार का अनादर होता, छोटी छोटी बातों पर कलह और कलेश होता, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। इसे झूठा मत कीजिए महारानी, इससे घर में अलक्ष्मी आ जाएंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, क्या बोले जा रही है? समुद्र मंथन से देवी अलक्ष्मी प्रकट होनी है और अब वो अपने रहने के लिए स्थान खोज रही है। तुझे किसने बताया ये? वो बाबा है ना, उन्हें कौवे ने बताया। क्या कह रही है तू? कौन सा कौवा और क्या बताया उसने? वो सब अभी समझाने का समय नहीं है महारानी। सबसे पहले हमें इस पूरे महल को ठीक से स्वच्छ करना होगा। कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो दरिद्रता को आकर्षित करे। कितनी अंधविश्वासी हो गई है तू। यदि मैंने थोड़ा सा भोजन चख लिया तो कोई बाहर टूट पड़ेगा या बिजली गिर जाएगी। भोजन झूठा हो जाएगा महारानी, और झूठे भोजन का भोग नहीं लग सकता। जहां अन्न का भोग ना लगता हो, वहां देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। और जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो, वहां अलक्ष्मी आ जाती हैं। जहां अस्वच्छता इतनी हो कि घर में मकड़ी के जाले लग गए, जहां धूल होती हो,
वहां आप निवास कर सकती हैं देव। ये लीजिए दासीमा। तुम दोनों इसकी सहायता क्यों कर रहे हो? सहायता? हाँ वो माँ, वो एक बार पहले भी हमारे कारण आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा चुके हैं ना। हमारे ही कारण आपको जीवित पुत्रिका का व्रत रखना पड़ा था। और हम भूलकर भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट हो माँ। और ये हम इनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं ना माँ। जहां के निवासी पांव धोए बिना आसन पर चढ़ जाते और सदैव अपने पांव हिलाते रहते, वहां भी दरिद्रता आती है। वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। मेरे विष का उस बुड्ढे पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसे पांव हिलाने से भी दरिद्रता आती है। वो कैसे वे माता? पांव हमारी स्थिरता के प्रतीक होते हैं। यदि हम ऐसे लेटकर पांव हिलाते हैं तो इससे हमारी स्थिरता समाप्त होती है और हम अस्थिर होते जाते हैं, और ये हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन जाता है। इसी तरह यदि गंदे पांवों के साथ विश्राम किया जाए तो बुरे स्वप्न आते हैं। तो कालिया भैया का मतलब कल से बुरे स्वप्न आ रहे हैं? वो इस बात से चिंतित है कि कहीं उनके विष का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो गया। तब तो फिर हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना चाहिए। पर कैसे? आपने उस मुर्गे को पकड़ने में इतना श्रम किया, थक गए होंगे ना? इसलिए सोचा मैं आपके पांव धुला दे, आपको अच्छा लगेगा। अचानक से इतनी सेवा? नहीं नहीं, कुछ दिनों से सिर्फ अच्छा अच्छा करने का ही मन हो रहा है, तो इसलिए। ठीक है, फिर अच्छे से पैर धो। सभी अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, पर अपनी गंदगी, अपने कूड़े को निकालकर बाहर रख देते हैं। जहां आसपास का वातावरण स्वच्छ ना हो, वहां रोग, दुख और दरिद्रता पहुंच जाते हैं, वहां भी आप निवास कर सकती हैं। महल तो स्वच्छ, यहां सुंदर रंगोली भी बन रही है, सुगंध और शुद्धता भी है। यहां के वातावरण में एक शुभ ऊर्जा का वास है। मैं यहां नहीं रह सकती।
प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता अलक्ष्मी की छाया इस घर पर ना पड़ने देने के लिए। पुत्री, आज तुमने देवी अलक्ष्मी के प्रकोप से अपने आप और अपने परिवार को बचा लिया। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रहा था कि आपको लेके सभी के मन में कितना भ्रम है। किसी ने आपको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आपका स्वभाव तनिक कठोर अवश्य है, परंतु आप हम सभी को प्रेम भी करती हैं। आप अपनी संतानों को और अधिक उत्तम बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं, और इस तरह आप उनके जीवन में सुख और प्रसन्नता भर देती है। बहुत प्रशंसा कर रहा है, परंतु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी दृष्टि में मैं क्या हूँ। ये सब क्या सोचते हैं मेरे बारे में? ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, तू समुद्र के भीतर आया था ना, लक्ष्मी से भी मिला था, तब तू ही बता वो अधिक सुंदर है या मैं। ये किस प्रश्न में फंसा दिया माँ ने? जब भी कोई स्त्री ऐसा प्रश्न पूछती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी सही उत्तर नहीं दे पाते। यदि गरुड़ के उत्तर से माँ रुष्ट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। माँ, माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए। तू समुद्र के भीतर आया था ना, लक्ष्मी से भी मिला था, तब तू ही बता वो अधिक सुंदर है या मैं। माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए। मुझे तेरा उत्तर अच्छा लगा। तेरा दुख और दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ये इतनी आसानी से बच कैसे जाता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आज आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर ली। बड़ी विचित्र प्राणी है तू। अब तुम अलक्ष्मी चली गई, अब क्यों अश्रु बहा रही है? हाँ बाबा, पर ये सब आपके बिना संभव नहीं हो पाता। आप भले ही कितने ही कठोर बन जाएं, कितने ही कटु वचन कह लें, सत्य तो ये है, आज आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपकी आभारी हूँ बाबा। तू कहना क्या चाहती है? जानते हैं बाबा, पहले जब जब मेरा पुत्र मुझसे दूर जाता था, मुझे सदैव विचित्र सा भय लगा रहता था।
आशंका की छाव में बीतता था मेरा जीवन। उसके बिना एक क्षण भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। पर इस बार आपके यहाँ होने से मुझे वैसा अकेलापन अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ है। बस अपना बोलकर संबंधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे रिश्ते नाते पसंद नहीं है। तभी तो मैं अकेला मन में वास करता हूं। आप क्या बातों से ही मेरा पेट भरेगी? क्या भूख लगी है? कुछ खाने को ला। अभी लाई बाबा। यदि तू इस परीक्षा को परिपूर्ण कर ले तो तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु, निवास के लिए स्थान मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। पर हर स्त्री की तरह मेरा भी एक स्वप्न है कि मुझे भी कोई जीवन साथी मिले, कोई हो जिसे मैं अपना सकूं और जो मुझे अपना ले पूरे मन के साथ। अवश्य देवी, सबकी तरह आपको अपना इच्छित वर पाने का अधिकार है। मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है नारायण, इसलिए मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें। आप मुझे स्वीकार करें। आप मुझे स्वीकार करेंगे। आप भी सब की तरह मुझे मेरे कथन को अन्यथा मत लीजिएगा देवी, पर विवाह तभी करना चाहिए जब वर और वधु तन मन और आत्मा से एक हो। पर मैं तो देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। छोटी बहन का सौभाग्य बड़ी बहन का दुर्भाग्य नहीं बन सकता नारायण। मुझे भी ऐसा ही वर चाहिए जिसमें आपका अंश हो। मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूं देव, पर मैं आपको दिव्य दृष्टि का वरदान अवश्य दूंगा जिसकी सहायता से आप अपने लिए योग्य और उपयुक्त वर ढूंढ पाए। ये ऋषि उद्दालक है मेरे परम भक्त। इनकी भक्ति इतनी अधिक हो गई कि भक्त और भगवान एक हो गए। ये मुझे स्वीकार है नारायण। यदि ये चाहे तो मैं इनसे विवाह अवश्य करूंगी।
आपका जीवन शुभमय हो लक्ष्मी। सर्पों के जन्म का एक ही उद्देश्य है, भय के रथ पर चढ़कर भय को अस्त्र बनाकर भय से सिंहासन जीतकर शासन करना। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। विष धारण करने वाले यदि कोमल स्वभाव अपना लेंगे, ऐसे हास परिहास में समय व्यर्थ करेंगे तो युद्ध कैसे कर पाएंगे, कैसे जीतेंगे अपने शत्रु से? कुछ अधिक ही बदलाव आ रहा है मेरे महल में। विंता मेरा हाथ रोकने का साहस जुटा रही और मेरे पुत्र अपने विष की कड़वाहट खोकर खिलखिला रहे हैं। बहुत हो गया, अब इस बदलाव को बदलना होगा मुझे। फिर से मुझे मेरी व्यवस्था स्थापित करनी होगी। प्रभु आपकी कृपा से मंथन फिर से आरंभ हो गया। कितना श्रम करना पड़ रहा है मेरे पुत्र को, वासुकी का भयानक विष तक सहन करना पड़ रहा है। पर यदि इस मंथन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो बलि, यदि इस बार कोई विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई तो हम असुर इस मंथन को बीच में ही छोड़ देंगे। हलाहल और लक्ष्मी से तो बच गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं और मेरे पुत्र अपने प्राण बार बार संकट में डाले। संकटों से जूझे बिना समस्याओं के समाधान नहीं मिलते दीदी। जोखिम उठाए बिना किसी भी प्रकार के पुरस्कार का मिलना असंभव है, ये तो तुम समझती हो ना दीदी। धैर्य रखिए देवी, संसार में दुखों का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुख का सवेरा अवश्य ही होता है। मेरा पूरा विश्वास है इस बार कुछ कल्याणकारी ही निकलेगा। नारायण नारायण। प्रभु, हो सकता है अब माता लक्ष्मी प्रकट हो। सही कह रहे हो गरुड़, जब लक्ष्मी मां आ चुकी हैं तो अब मां लक्ष्मी के आने में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, है ना प्रभु? आपकी आंखें आपके मन का दर्पण है प्रभु, ये बता रही है कि अपनों के आने की प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है। मेरी माँ भी ऐसे ही मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक बार माता लक्ष्मी आ जाए तो कुछ देर के लिए मैं अपनी माँ के दर्शन कराऊंगा। मेरे बिना वो न जाने कैसी होंगी। बस बड़ी माँ और उनके नाग पुत्र माँ को अधिक सता ना रहे हो। जब विंता का महाबलशाली पुत्र उसके साथ था तब भी उसने कभी इस तरह मेरा अनादर करने का, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र को सदैव यही शिक्षा दी, मेरे हर अच्छे बुरे हर आदेश का सम्मान करने की शिक्षा। तो फिर आप अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वो मेरे सामने दृष्टि उठाकर बात करने लगी? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं माँ, कुछ तो निश्चित रूप से बदला है। तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? माँ, यदि माँ अपने पुत्रों के मन की बात पढ़ सकती है तो पुत्र भी तो अपनी माँ का मन पढ़ सकते हैं। आप तो बस ये सोचिए कि हमारे आसपास का वातावरण कब से बदलने लगा। हाँ माँ, यदि ये पता चल जाए तो हो सकता है कि आपको ये स्वयं पता चल जाए कि हमारे इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका सही कारण क्या है। सही कह रहे हो तुम दोनों।
आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए, पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं। अब बताएगी भी बात क्या है? बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। उस बुढ़े में अवश्य ही कुछ बात है। जब से वो आया है इस मिंता का मनोबल भी बढ़ गया है और हम सब मिलकर भी उसे कुटिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। जब से उस बुढ़े ने इस महल में प्रवेश किया है तब से ही सारी गड़बड़ चल रही है। कुछ दिन पहले मुझे भी एक तीव्र झटका लगा था। अवश्य वो बुढ़ा सारी समस्या की जड़ है। समस्या की जड़? नहीं नहीं माँ, वो तो समाधान। माँ, इसके कहने का अर्थ है समस्या की जड़ तो आपने ढूंढी ली है, अब समाधान भी मिल ही जाएगा। इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका कोई ना कोई संबंध उन बाबा के इस महल में आने से ही है। विंता ऐसे ही किसी को मार्ग से उठाकर अपनी कुटिया में नहीं लाएगी, और जितना यत्न के साथ वो उसकी सेवा कर रही है कोई ना कोई कारण तो अवश्य है, कोई उद्देश्य या कोई छुपा हुआ लक्ष्य। और वो क्या है मैं जानकर रहूंगी, और यदि सच में वो बाबा चमत्कारी है तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उस विंदा को नहीं। माँ कब बदलेंगी? अरे धूमल ये बोल, माँ कब सुधरेंगी? प्रणाम स्वीकार करें माँ। प्रभु, ये गौ माता कौन है और इनमें इतना विशेष क्या है कि इनके प्रकट होते ही वातावरण में अभूतपूर्व शुद्धता और शांति व्याप्त हो गई? ये कामधेनु है, गायों में सर्वश्रेष्ठ, पराशक्ति, आदिशक्ति, परम चेतना, ये चिरायु है और जन्मी और सबसे महान है। उन मां ललिता ने संसार के कल्याण के लिए इस दिव्य कामधेनु गाय के रूप में अपना सर्व सुलभ चैतन्य रूप प्रकट किया है। इनके विशेष लक्षण क्या है प्रभु? कामधेनु की रीढ़ की हड्डी पर सूर्य केतु नाड़ी होती जो हानिकारक विकिरण को समाप्त कर वातावरण को स्वच्छ करती। इसके साथ साथ ये नाड़ी गाय के तन में स्वर्ण का निर्माण भी करती जो उनके दूध, मूत्र और गोबर से सहज ही प्राप्त किया जा सकता। हम दूध और मूत्र का उपयोग करते हैं और गोबर खाद के रूप में खेतों में उगने वाले अनाज के माध्यम से हमारे तन में प्रवेश करता है। इनकी पूंछ भूमि को छूती है
और स्त्रियों की चोटियों के समान सदैव गुथी ही होती हैं। हिंसा का संदेश देने वाले इनके ये सींग सदैव उल्टे ही होते हैं और इनकी आंखों से प्रतिपल प्रतिशत आंसू बहते ही रहते हैं, जो करुणा का प्रतीक होते हैं। कामधेनु की अस्थियों में पर्वत और मज्जा में यज्ञ स्थित होते हैं और इनके चारों थनों में चार महासमुद्र होते हैं। प्रभु प्रभु क्या हुआ प्रभु, आप अचानक इतने भावुक क्यों हो गए? नारायण भावुक इसीलिए हो गए क्योंकि कामधेनु के पिछले भाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है। परंतु माता लक्ष्मी का वास मां कामधेनु के पिछले भाग में ही क्यों? मैं बताती हूं। जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई तब सभी देवी देवता मुझ में स्थान ग्रहण करने आए। जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया। मेरे इस कामधेनु अवतार के सींगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं। मध्य भाग में स्वयं महादेव, ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय, कानों में अश्विनी कुमार और आंखों में सूर्य और चंद्र स्थित है। खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है। परंतु माता लक्ष्मी का वास मां कामधेनु के पिछले भाग में ही क्यों? मैं बताती हूं। जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई तब सभी देवी देवता मुझ में स्थान ग्रहण करने आए। जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया। मेरे इस कामधेनु अवतार के सींगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं। मध्य भाग में स्वयं महादेव, ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और आंखों में सूर्य और चंद्र स्थित है। खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे भी अपने इस कामधेनु रूप में कोई स्थान दे दीजिए। आपको विलंब हो गया देवी, अब तो सभी ने अपना मन वांछित स्थान चुनकर निवास करना आरंभ भी कर दिया है। कोई तो उपाय होगा, मुझे कहीं भी कोई भी स्थान दे दीजिए, मैं तैयार हूं मां।
मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, परंतु इस संसार में सबसे अधिक वंदनीय आप है माँ। यदि आज आपने मेरा अनादर किया तो सृष्टि में कभी भी कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरी विनती स्वीकार करें माँ। मुझे स्वीकार है देवी, आज से आप मेरे पृष्ठ भाग में निवास करेंगी। मेरे मूत्र और गोबर को भी शुभ माना जाता है, और अब आपके निवास के कारण ये मनुष्यों के लिए और भी अधिक हितकारी होगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता, इसीलिए उसे खेतों में डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता, घर की दीवारों में उसका लेप लगाकर उन्हें स्वच्छ बनाया जाता, और चौके में चूल्हे में डालकर उसे शुद्ध किया जाता। गाय के गोबर से बने कंडे हवन की समिधा बनते और गौमूत्र अनेक रोगों का नाश कर देता। भविष्य में स्वयं मैं भी एक अवतार लूंगा, जिसमें ना केवल मुझे गौ सेवा का पुण्य अर्जित होगा, बल्कि मैं माखन चोर भी कहलाऊंगा। गाय तो बहुत गुणकारी है, पर ये मिलेगी किसे? और किसे रहा, हम असुरों को ही मिलेगी। असुर सम्राट विश्व विजेता, जो स्वर्ग पे राज करता है, ऐसे दिव्य गाय का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। लीजिए। तनिक इसमें शहद मिला दे। जी। लीजिए। अब तनिक इसमें पीसा हुआ मेवा मिला दे। स्वयं तो मेरी दया पर जीवित रहती है, इस बुड्ढे की राजसी इच्छाएं तो ऐसे पूरी कर रही है जैसे दासी नहीं महारानी हो। अब पी इसे। एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा पी इसे। बाबा ये तो मैं आपके लिए, बचपन में इसी तरह दूध पीना अच्छा लगता था ना तुझे? ये ही नहीं कैसे पता? अब मुझे गूर क्या रही है? पी पी। समझना संभव है कौन किसकी सेवा कर रहा है?
मीठा है ना? हाँ बाबा। किंतु मुझे मीठा नहीं लगेगा। तू पूरे संसार की मिठास भी इसमें डाल देगी ना, तब भी मुझे मीठा नहीं लगेगा। मुझे तो केवल गौ माता कामधेनु का दूध ही मीठा लगता है। अमृत जैसा स्वाद होता है उसमें। चिपुट्टा, विंता से अमृत के बारे में चर्चा क्यों कर रहा है? यदि विंता के मन में अमृत का विचार आ गया तो वो करुण को कहीं से चकने की विवश न करते। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं बाबा, मैं केवल एक साधारण दासी हूँ। गौ माता कामधेनु जैसी दिव्य गाय का दूध मैं कहाँ से? तू ही कहती है ना कि ढूंढने से तेरे नारायण भी मिल जाते हैं, तो तू गौ माता कामधेनु का दूध नहीं ला सकती? यदि नहीं ला सकती है तो तू और तेरा नारायण दोनों किसी कार्य के नहीं है। अब दूध भी मुझे मिलेगा और इस बुड्ढे का आशीर्वाद भी। क्षमा कीजिए दीति माँ, महाराज बलि यदि एक बार जीत गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की सभी संपदाएं उन्हें ही प्राप्त होंगी। समुद्र मंथन के रत्न उन्हें ही मिलेंगे जो उसके योग्य हो। देवराज, इस योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया तुमने? निर्णय कोई भी हो महाराज, इन देवताओं का आधार केवल छल है। ये दिव्य गाय, इन देवताओं को मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लेने दूंगा। बजरंग, ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कहीं फिर से इस मंथन में कुछ अवरोध आ गया तो? कामधेनु का दूध? हाँ, उस बुड्ढे के अनुसार कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है, और वो दूध मुझसे पहले उस विंता को मिल जाए ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। किसी मूल्य पर नहीं, इसलिए जाओ। कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। पर माँ, हमको तो ये भी नहीं पता वो गाय मिलेगी कहाँ। नहीं पता है तो पता करो। एक सहस्त्र पुत्रों का वरदान मैंने इसलिए नहीं मांगा था कि उनके होते हुए भी सारी समस्याओं का समाधान मुझे स्वयं करना पड़े। करुण को देखा है, वो कैसे मेरे लिए सूर्य पुष्प लेकर आया था। इसलिए तुम लोग जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। जाओ। अब हम क्या करें? कहां से लाए ये दूध? माँ कामधेनु के प्रकट होते ही कितनी शुद्धता और शांति छा गई थी, परंतु ये सभी ऐसे ही झगड़ते रहे तो सारी शांति नष्ट हो जाएगी। इससे पहले कि आप सभी ये निर्णय करें ये दिव्य कामधेनु गाय किसे मिलनी चाहिए, आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो भी इसकी सेवा करेगा वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। नारायण नारायण, मेरे पुत्र तो बहुत शक्तिशाली हैं। यदि ये सात्विक हो गए तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा।
ऐसा नहीं होगा बलि, हम ये काम धेनु ग्रहण नहीं कर सकते। कहीं इसके कारण तुम सात्विक बन गए तो तुम तो स्वर्ग दान में दे दोगे। प्रभु की युक्ति काम कर गई, अब गौ माता देवताओं को मिलेगी। नहीं, हमें किसी ऐसी वस्तु की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो बल और शक्ति का पड़ना हमारे तरफ झुकाए रखने में हमारी सहायता करे। गौ माता की सेवा गौ भक्त करें, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। क्या हुआ गरु, तुम इस निर्णय से प्रसन्न नहीं? मैं इस बात से प्रसन्न हूं प्रभु कि गौ माता उन दुष्ट असुरों के पास नहीं गई जो सबको सताते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट है। हाँ तो न जाने क्यों मेरे मन में संदेह हो रहा है प्रभु कि गौ माता इनके पास जाने के बाद प्रसन्न नहीं है। इतना जानते हो तुम गौ माता के मन को? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मां कामधेनु के आंखों में आंसू तो सदैव रहते हैं, परंतु आज इन आंसुओं में वो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही जो तब दिखती है जब बहुत लंबे समय के बाद मैं अपनी माँ से मिलने जाता हूँ और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे निहारती है। माँ कामधेनु कैसे मिलेंगी मुझे, कहाँ ढूंढूं उन्हें? सारे नाग एक साथ कहां जा रहे हैं? तख्त धूमल, क्या हो रहा है? कहां जा रहे हो तुम सब? ये दोनों ऐसे लुप्त क्यों हो गए? हे नारायण, अब आप भी कोई मार्ग दिखाइए, बताइए मुझे मैं माँ कामधेनु के दूध का प्रबंध कैसे करूं? ये केवल मेरी परीक्षा नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है और मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। नारायण, सहायता कीजिए मेरी, सहायता कीजिए। प्राप्त हो तो उसे ब्राह्मण और ऋषियों को दान देना चाहिए, इसलिए हम आपको दान देने आए हैं। आज्ञा दीजिए मां। धन्यवाद मां। कैसे मूर्ख है ये देवता, पहली वस्तु मिली थी मंथन से उसे भी दान में दे रहे हैं। हे सप्तऋषिगण, मैं देवराज इंद्र अपने समस्त कुल व संबंधियों के साथ आपका आवाहन करता हूँ, कृपया दर्शन दें। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो, प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो, प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। कल्याण, ऋषिगण, हम सभी देवता पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इन मां कामधेनु को आपको दान देना चाहते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें।
देवराज, प्रभु विष्णु की भक्ति और ऋषियों को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र मंथन के इस महान यज्ञ में आप सबको सफलता प्राप्त हो। ये इंद्र तो बहुत चलाक निकला, गाय माता को दान देकर अमृत प्राप्त करने का मार्ग सरल कर दिया। देवता भी विचित्र हैं। जब ये गाय इन्हें दान में ही देनी थी तो उसे प्राप्त करने के लिए हमसे इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे? देवराज की बुद्धि की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मां कामधेनु को दान में देकर देवराज ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं भैया। दान देकर पुण्य अर्जित तो किया है, साथ ही साथ सप्त ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया कि इस मंथन में विजय प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है भैया कि अब अमृत इन्हें अवश्य मिलेगा। गरुड़ अब राजनीति के कठिन दाव पेच भी समझने लगा है। हर बीतते दिन के साथ ये और भी अधिक समझदार और भी अधिक व्यवहारिक होता जा रहा है। एक दिन इसके यही गुण वैकुंठ के उपयुक्त बनने में इसकी सहायता करेंगे। कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं कि अभी अभी इसी मंथन से हलाहल नाम का राक्षस भी निकला था और अलक्ष्मी मां भी। यही तो इस जीवन का आनंद, सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता। और ये भी ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मां कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हां प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं। यही तो इस जीवन का आनंद, सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता है। और ये भी कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपके लिए गौ माता कामधेनु का दूध लाना तो दूर, ये तक नहीं समझ पा रही हूँ उनकी खोज कहाँ से आरंभ करूं। अच्छा बता, गौ माता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गाय के दूध से नारायण का अभिषेक होता है, उससे जो दही बनता है उसे अन्न में मिलाकर नारायण के लिए प्रसाद बनाया जाता है, उनके घी से सभी अनुष्ठान पूरे होते हैं। और इन सब वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? किसी ऋषि के आश्रम में। स्वामी, मेरे स्वामी महर्षि हैं। कभी कभी मनुष्य सत्य के बहुत निकट होते हैं, बस उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है। मैं दक्ष पुत्री विंता अपने स्वामी प्रजापति महर्षि कश्यप का आह्वान करती हूँ, कृपया दर्शन दें। विंता, इस समय स्वामी को क्यों बुला रही है? मैं
दुबल। हमारे अन्य भाई तो रिक्त वापस चले आए। यदि गुरु दत्तात्रेय को दूध नहीं मिला तो क्रोधित होंगी। यदि विंदा माता को पहले दूध मिल गया तो माँ हमारी जो दशा करेगी उसकी तो कल्पना भी असंभव है। तो फिर अब हम क्या करें? तब तो स्वामी, स्वामी मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया क्योंकि गौ माता कामधेनु। मां कामधेनु, स्वामी ने पुनः विंदा का साथ दिया। प्रणाम स्वीकार करें मां। मैं केवल अपने पुत्रों की प्रसन्नता चाहती हूं। आशीर्वाद दीजिए। एक विनती और है मां। एक बूढ़े बाबा को आपके दूध की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए। एक बार फिर विनता जीत गई। अब इस दूध की सहायता से उस बूढ़े बाबा का आशीर्वाद उसे ही प्राप्त होगा। फिर से स्वामी जी उस विंदा का साथ दिया। माँ अब ये सब सोचकर क्या लाभ? क्रोध मत कीजिए ना। क्रोध ना करो। एक तो तुम दोनों ने कुछ किया नहीं और ऊपर से स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों नहीं जानते एक छोटी सी घटना का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। देवताओं और दानवों को अमृत मिलने वाला है। यदि वो करुण किसी भी कारणवश और भी अधिक शक्तिशाली हो गया तो मेरे पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मेरा स्वप्न सदैव सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा। राम गुरुदेव कल्याण। प्रभु इस प्रकार यहां आकर मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो आना ही था। आप तो जानते ही हैं अब समय आ गया है कि विंता और गरुड़ को उनकी परिस्थितियों से मुक्त कराया जाए ताकि गरुड़ अपनी नियति को पाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं यहां रहकर विंता के धैर्य और उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा हूं। अब शीघ्र ही विंता को उसकी सेवा का और कद्रु को उसके कर्मों का फल मिलेगा। स्वामी की बाबा से भेंट हो ही गई।
ये दिव्य प्रकाश? तो मेरा संदेह बिल्कुल सही था। ये साधारण गुट्ठा नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्यात्मा है। तभी तो हमारे स्वामी स्वयं से प्रणाम कर रहे हैं। पर कौन है ये? बाबा ये लीजिए कामधेनु का दूध। स्वादिष्ट। विंता आपने बहुत अच्छा किया जो इन वृद्ध बाबा को यहां ले आई। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे मन के साथ इनकी सेवा करेंगी तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं चलता हूं। यदि स्वामी ने इस समय मुझे देख लिया तो वो क्षण भर में ही समझ जाएंगे कि मेरे मस्तिष्क में कौन सी योजना चल रही है। यदि इन बाबा में कुछ विशेष है तो स्वामी ने कुछ कहा क्यों नहीं? अद्भुत, अविश्वसनीय। इसके रूप ने तो सभी का मन मोह लिया। कौन है ये पशु? उच्चिश्रवा। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस है। हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चश्रवा की पूछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूछ काले रंग की है। कल तक तो इसकी पूछ श्वेत रंग की थी। तुझे नेकी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। तो यही वो अश्व है जिसके कारण मां को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। विंता, इस बाबा की इच्छाएं पूरी करने के लिए और उसके लिए कामधेनु के दूध का प्रबंध करने के लिए तूने हमारे स्वामी को ही आमंत्रित कर लिया। है कौन ये? मैं नहीं जानती महारानी, मैं तो बस इन्हें एक असहाय रोगी समझकर यहां ले आई थी। पर लगता है कि
ये कोई पुण्य आत्मा है, तभी तो हमारे स्वामी इन्हें प्रणाम कर रहे थे। इसकी बातों से स्पष्ट है कि इसे पता ही नहीं है कि ये बाबा कौन है, कोई सिद्ध पुरुष है या साधारण भिखारी। बालासन, बालासन, बालासन तुझे प्रतिदिन करना होगा। मैं तो कहती हूं अभी कर, इसी समय। महारानी अभी? हाँ अभी। जी तेरा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि तू मेरी दासी थी, है और सदैव रहेगी। कितना दिव्य है ये अश्व, बलिष्ठ काया, अतुल्य है ये अश्व। यदि इस पर किसी का अधिकार संभव है तो केवल हम असुरों का। दिव्य प्राणी केवल दिव्य देवताओं के पास ही होना चाहिए। तुम देवता दिव्य नहीं, भिक्षुक हो, भिक्षुक। संजीवनी विद्या की सहायता के बिना युद्ध जीत कर दिखाते तब तुम्हें कहने का अधिकार होता। दिव्य कोई हो ना हो, पर इस अश्व को दिव्य लोक में रहने का अधिकार है। स्वर्ग में रहेगा ये। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे मिलना चाहिए ये घोड़ा? तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा जीवन भर के लिए। इसे क्या हुआ प्रभु? स्मृति दो धारी तलवार होती है शेष, कभी कभी ये मनुष्य में ऐसी भावना जगा देती है जिससे व्यक्ति अपनी नियति प्राप्त कर पाता, तो कभी कभी ये व्यक्ति को बंदी बना लेती। गरुड़ का मन उच्च श्रवक को देखकर ऐसी ही स्मृति में घिर गया और अस्थिर हो गया है। मुद्रा तो बिल्कुल सही है तेरी, ऐसे ही नित्य किया कर। कहते हैं इसे करने से दृष्टि तीव्र होती है, और तुझे तेरी दृष्टि तीव्र करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तूने दूर से देखा और तुझे लगा हमारे स्वामी महान ऋषि बाबा को प्रणाम कर रहे। ध्यान से देख विंता, वो उस बाबा को नहीं जबकि उनके पीछे रखी उस मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। क्या लगा था तुझे कि वो बाबा कोई सिद्ध पूर्ण आत्मा है? तुझे पता है रविंता कि तू मेरी प्रिय दासी है और मैं तुझे निराश होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सत्य तो बताना पड़ेगा। वो बुड्ढा कोई पूर्ण आत्मा नहीं है, हाँ थोड़ा सा अतरंगी अवश्य है। वो अपनी मांगे इस तरह तेरे सामने रखता है कि तू पूरी करने के लिए विवश हो जाती है। बहुत कर ली इच्छाएं पूरी तूने उसकी, किंतु अब उसकी सेवा मैं करूंगी, वो भी अपने ढंग से। अचानक से इन्हें क्या हो गया? एक और ये कह रही है कि ये कोई पुण्य आत्मा नहीं, फिर भी मुझे रोककर खुद उनकी सेवा करना चाहती है। पहले गाय आप सबको मिली थी देवराज, और अब यश हमें मिलना चाहिए।
माँ कामधेनु हमारे पास नहीं है राहुल, आप सबके सामने हमने उन्हें दान दे दिया है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था देवराज इंद्र। जब भीख मांगने की स्थिति हो तो दानवीर नहीं बनना चाहिए। वचनों के तीर भी कुछ कम घायल नहीं करते। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। यदि ये उच्चेश्वाहा असुरों को नहीं मिला तो हमें ये समुद्र मंथन यही छोड़ देंगे। इस प्रकार वाद विवाद में फंस गए तो ये समस्या नहीं सुलझेगी, ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे नारायण, न्याय कीजिए। हमारे हित की बात आज तक इनके मन में आई है जो आज इनके मुख पर आएगी। उच्च श्रवा उसे ही मिलना चाहिए जो उसे साथ पाए। मेरा सुझाव ये कि देवता और दानव दोनों ही बारी बारी से प्रयास करें, चाहे तो इस बार ये चेष्टा असुरराज बलि पहले कर ले। अचानक से ये विष्णु असुरों के हित की चिंता क्यों करने लगे? कहीं मेरे पुत्रों के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? बलि, मेरी बात मान, पहला प्रयास इंद्र को करने दे। जो आज्ञा मां। जाइए देवराज, अश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सब जाओ यहां से। तख्त धूमल, पूरा रसोई घर स्वच्छ करो। मां आखिर करना क्या चाहती हैं और क्यों कर रही हैं ये सब? मां ये क्या कर रही हैं आप? दासियों ने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। मैंने उस मूर्ख विंता को तो समझा दिया है कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, किंतु सत्य तो यही है ना कि तुम्हारे पिता ने उन्हें नमस्कार किया था। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि वो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है। मान लिया कि वो बुड्ढा कोई मायावी नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं है, परंतु मां आपको स्वयं ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है दक्षा, आवश्यकता है। इतने दिनों तक उस विंता ने बाबा की सेवा करके ना जाने कितना पुण्य अर्जित कर लिया होगा। अब मुझे उसकी सेवा करके विंता से अधिक पुण्य अर्जित करना होगा ताकि सारा आशीर्वाद मुझे मिले, उस दासी को नहीं। यदि फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला तो? आशीर्वाद में नहीं मिला तो कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप उस विंता को और अधिक आशीर्वाद लेने नहीं दोगी।
श्रीहीन हो जाएंगे, तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा। हम तो तुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप! ऐश्वर्य तो इंद्र से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। कहा था ना, असंभव है तुम्हारे लिए। उच्चश्रवा चंचल मन का प्रतीक, देवराज का मन उसे देखकर अतीत में भटक गया और इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाए। समय की तरह जो एक बार छूट जाता है वो फिर पकड़ में कहां आता। इस अश्व को केवल वही साध सकता है जिसे ना अतीत का दुख हो और ना ही भविष्य की परवाह, जो केवल वर्तमान में रहता। प्रभु, यदि ऐसा है तो क्या असुर इसे साथ पाएंगे? कि तिथि माँ तो सदैव ही भविष्य की चिंता में व्याकुल रहती है। यही तो देखना है गरुड़। देवराज इंद्र। बलि, असफल होकर मत लौटना पुत्र, वरना ये देवता उपहास उड़ाएंगे। हाँ महाराज, अपनी श्रेष्ठता और शक्ति बनाए रखने के लिए हमें इस अश्व की आवश्यकता है। युद्ध में भी ये अश्व बहुत उपयोगी होगा हमारे लिए। प्रभु, महाराज बलि के कंधों पर अपेक्षाओं का भार कुछ अधिक ही हो गया है। इतने दबाव के बाद भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? पहली बार देख रहा हूं तुम दोनों असुरों के लिए चिंतित हो रहे हो। आप ही ने तो कहा था प्रभु, इस घोड़े को साधने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि असुर अपने मन को नियंत्रित कर पाए तो ये तो पूरे संसार के लिए अच्छा होगा ना। महारानी, आप और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जाए यहाँ से। क्या हुआ महारानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? झोली फैला आपने। अपनी झोली फैला। ये कद्दू के बीज है, कहते हैं इन्हें खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। समझाया था ना कि अब तू बाबा का कोई भी कार्य नहीं करेगी, इतनी शीघ्र भूल गई तू। पर महारानी, इतना सारा कार्य आप अकेले कैसे कर? जैसे तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर बाबा को बहुत कम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनका स्वाद। तुझे बाबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तू स्वयं देखना, मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि बाबा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जा यहां से, जा। दासी माँ, माँ को क्या हुआ? ये रसोई में क्या कर रही है? मैं भी नहीं जानती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना होगा।
नारायण नारायण। आपने अभी ये क्यों बोला मुनिवर? मेरे मन में तो ये जाप सदैव चलता रहता है असुरराज। मन में यदि इष्ट का नाम तो सभी कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुंदर महाराज बलि, अत्यंत सुंदर। जब मन को स्थिर करना हो तो उसे किसी ऐसे विचार में व्यस्त करना चाहिए जो उसे बहुत प्रिय हो, तब मन नहीं भटकता। आज तो बहुत ज्यादा थक गए। हाँ तक तू फिर भी यह कार्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं पता था भोजन बनाने में इतना श्रम लगता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ तक तू कि विमाता विंता हम सबको इतना कार्य करते हुए देख के कितनी प्रसन्न हो रही होंगी, है ना? मेरे होते हुए दीदी और उनके पुत्रों को इतना श्रम करना पड़ रहा है। बाबा को इतने तेल और मसाले वाला, इतनी मिर्च वाला भोजन देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कहीं अच्छा करने के प्रयास में दीदी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। महारानी, ये असुरराज महाराज बलि की जय। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। गरुड़ और उसकी मां के प्रति मुझसे अपराध तो हुआ है, अब मैं असुरों के अधीन रहूं, यही मेरा दंड होगा। क्या हुआ गरुड़, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पता नहीं भैया, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कब इस बात की पीड़ा मेरे मन में बैठ गई कि इस दिव्य घोड़े के होते हुए भी मेरी मां के साथ इतना अनुचित हुआ। जैसे तुम्हें ये पता नहीं चल पाया था कि कब नाग तुम्हारी पीठ से गिर गए, वैसे ही इसे भी ये पता नहीं चल पाया कि कब नाग इसकी पूंछ से लिपट गए और कब ये तुम्हारी विमाता कद्रू के षड्यंत्र का माध्यम बन गए। अनजाने में ही सही, लेकिन गरुड़ और उसकी माँ के विरुद्ध षड्यंत्र में भागीदार तो मैं भी बन गया हूँ और इसका अपराध बोध है मुझे। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में कभी भी गरुड़ को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका पक्ष लेने अवश्य आऊंगा। महारानी रुक जाइए, महारानी
मेरी बात सुन लीजिए महारानी। दासी माँ, आप माँ का आदेश क्यों नहीं मान रही? जब माँ ने आपको स्वयं से दूर रहने के लिए कहा है, तुम की छाया बनने का प्रयास क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी दीदी को कष्टों से घिरते हुए नहीं देख सकती। माँ कष्टों में क्यों घिरेगी? क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप? दीदी ने बहुत तीखा भोजन बनाया है जो बाबा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि वो क्रोधित हो गए तो। क्रोधित हो गए तो कहीं ये दिव्य बाबा माँ को आशीर्वाद देने की जगह श्राप ना देते। जानता हूं तू मेरी सेवा क्यों करना चाहती है, पर मैं तुझे तेरे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। बाहर से क्यों घूर रही है पितरा? कौन है तू? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु और इस महल की महारानी। इस नाते आप मेरे भी अतिथि हुए। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? कर सेवा, किंतु पहले मेरे हाथ धुलवा। नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, आप मुझे करने दीजिए ये सब। जा, मुंह पे बांधने के लिए कुछ लाके दे। दुर्गंध आ रही है? नहीं नहीं बाबा, दुर्गंध की कोई बात नहीं है। वो आपके घाव बहुत गहरे हैं ना, तो मैंने अपना नाक और मुंह ढक लिया ताकि मेरे तन के कीटाणु और विषाणु आपके घाव पर लगकर उन्हें कहीं अधिक संक्रमित ना कर दे। वाह, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। माँ तो गुरु दत्तात्रेय से झूठ बोल रही है। हाँ तक तू, इन्हें नहीं पता कि गुरु से कोई सत्य नहीं छुपता। ऐसा ना हो कि इस असत्य के कारण मां को कोई दंड मिल जाए। अभी तो आरंभ है, अब धीरे धीरे तुम्हें भी उसी अशांति का अनुभव होगा जो गरुड़ को होता था जब वो तुम सबको अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखता था। हे नारायण, बाबा को क्षमता दीजिए कि वो किसी तरह ये भोजन कर पाए, वो भूखे ना रहे। We'll be right back.
आप ठीक तो है ना दीदी? जिस बहन ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है उसे इस दशा में देखकर भी इसके मन में दया ही उपज रही है। इस करुणा का, इस सात्विक सच्चे व्यवहार का पुरस्कार विंदा को अवश्य मिलेगा। शक्ति लगाओ। अब क्या प्रकट होने वाला है इस समुद्र से? जो भी होगा उच्च शर्मा से उत्तम ही होगा। लगाओ बल। रावत ही हैं जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण सभी देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आगमन पर मेरा और श्री लक्ष्मी का मिलन कुछ और समय के लिए टल जाए।